ऐसी कौन सी पार्टी है जो सिर्फ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है? ये क्या कहा? मुस्लिम लीग। हाँ, पहले दो चैप्टर्स हम लोग ने नेशनलिज्म पे पढ़ा था। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म जो आप देख चुके हैं, सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म, यस, वो भी आपने पढ़ लिया है। इन दोनों फेज में देश प्रेम बढ़ रहा था, नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी। बट आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, मुस्लिम लीग, ये वो पार्टी है जिसकी वजह से देश में हिंदू मुसलमानों में क्या होगा, यस, बंटवारा होगा, डिवीजन होगा। और यस, आज के चैप्टर में मुस्लिम लीग में हम जानेंगे कैसे नेशनलिज्म को रिप्लेस कर दिया गया कम्युनलिज्म से। ठीक सुना, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म क्या होता है, कैसे फैला कम्युनलिज्म, आइए इसको समझते हैं। तो जब अपराइजिंग ऑफ 1857 हुआ, हाँ, तब हिंदू और मुस्लिम मिल करके, यस, दोनों जुड़ करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को बहुत मुश्किलों से क्या करना पड़ा, अपना राज्य वापस बचाना पड़ा। ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अगर नेशनल मूवमेंट को कमजोर करना है तो एक ही तरीका है, इन दोनों में फूट डालो और राज करो, अर्थात डिवाइड करो और रूल करो, और दोनों को धर्म के नाम पर, यस, कम्युनलिज्म, धर्म के नाम पे दोनों में बंटवारा कर दो। कैसे किया? ब्रिटिशर्स सेड, उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि नेशनल मूवमेंट वॉज द मूवमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग हिंदू किंगडम। मुसलमानों को डराया ये कह करके कि अब हिंदू किंगडम आने वाला है, और उन्होंने मुसलमानों को एनकरेज किया कि वो अपनी ही एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और इसी वजह से देश में कम्युनलिज्म फैला और फैली, यस, और बनी मुस्लिम लीग। तो क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग को बनाने में किस वॉइसराय का सबसे मेन रोल है? वो कौन से मुस्लिम लीडर्स हैं जिनका मुस्लिम लीग को बनाने में सबसे मेन रोल है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत ही शॉर्ट में, बुलेट की स्पीड में इस चैप्टर को, मुस्लिम लीग को हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं एज पर दी आईसीएसई 2022। तो फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग बनाना पड़ गया, मुस्लिम लीग बनी, एक ऐसी पार्टी की क्यों जरूरत पड़ी जो धर्म के नाम पे बननी पड़ी? हाँ, इट वॉज एन ऑल मुस्लिम मेंबर्स पार्टी। इसका मतलब है इसमें मुसलमान ही थे, और ये सिर्फ, जानते हो, किसकी बात करेंगे, अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, देश प्रेम की बात नहीं करेंगे। समझते हैं, लॉस ऑफ पावर बाय द मुगल रूलर्स। आप जानते ही हैं कि देश पहले मुगलों के हाथ में था, यस, इंडिया मुगल रूलर्स के बाद था, और मुगल मुसलमान थे। मुस्लिम रूलर्स जब हार गए ब्रिटिशर्स के साथ, तो देश में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो अब मुसलमानों को क्या करना था, उनसे बदला लेना था, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। आई नो आप ये चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, नहीं देखा है आपने तो यस, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें। दूसरा रीजन जानते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज जानते थे फूट डालो, राज्य करो, यस, तो कैसे किया, कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। दे ग्रांटेड एड, अंग्रेजों ने मदद करनी शुरू कर दी टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट वर रन बाय द मुस्लिम्स। क्यों? टू प्रमोट उर्दू। उर्दू मुसलमानों की भाषा है, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, यस, उन मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस देने के लगे, फंड देने लगे। और क्या किया, मुस्लिम रूलर्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो प्लंडरर्स थे। हाँ, हम लोग को बताया कि मुस्लिम रूलर्स जो है वो प्लंडरर्स हैं, अत्याचारी हैं, और हिंदू रूलर्स को क्रूएल बताया, कहा हिंदू रूलर्स जो थे वो मुसलमानों पे अत्याचार करते थे। तो दोनों के बीच में क्या कर दिया, नफरत की दीवार पैदा कर दी। रिलेटिव, तीसरा पॉइंट, रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मुसलमान को अपने कल्चर, अपने रिलीजन पे बहुत गर्व है, तो वो अपने इस धर्म कल्चर को छोड़ करके वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर जल्दी अडॉप्ट नहीं किया, जो कि हिंदूज ने कर लिया था।
तो इसीलिए उनको बहकाना, उनको हिंदूज के अगेंस्ट करना आसान था, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं थे, वो हर चीज में बैकवर्ड थे। और सबसे प्राइम कारण, यस, इस व्यक्ति को ध्यान से देख लीजिए, मैं इसकी इमेज को आपके लिए अब बड़ा करने जा रहा हूं, फुल स्क्रीन पे देख लीजिए, क्योंकि ये पिक्चर स्टडी का भी क्वेश्चन है, पिक्चर स्टडी में भी इनके बारे में आएगा, सर सैयद अहमद खान। चलिए जानते हैं इनका रोल क्या है। तो सर सैयद अहमद खान तो वैसे जाने जाते हैं एक बहुत महान एजुकेशनिस्ट के रूप में, एक नेशनल लीडर के रूप में, बट याद रखिएगा, यस, ही वॉज फाउंडर ऑफ MAO कॉलेज एट अलीगढ़, जिसको आजकल हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यस, इसी कॉलेज को बनाने से पहले, यस, इनका विचार था कि हिंदू और मुसलमान एक नेशन है, एक कौम है, अर्थात दोनों एक हैं। बट कुछ ही समय बाद इनकी सोच बदल गई, इनका मानना था कि हिंदू मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये भी सोचते थे कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए, ब्रिटिशर्स ने देश विड्रॉ कर लिया, तब क्या होगा, हिंदू मेजॉरिटी में है और मुसलमानों को उनके अंडर दब के रहना पड़ेगा, तो नतीजा क्या करना पड़ेगा, यस, ब्रिटिशर्स को जाने से रोकना पड़ेगा, हम ब्रिटिशर्स का अब सपोर्ट करेंगे। तो सारी सोच सर सैयद अहमद खान की क्या हो गई, एकदम पलट गई। जो पहले कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, अब वो उल्टा बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि यस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो इम्पॉसिबल है, असंभव है कि दोनों मिलके रहें। देखा कैसी सोच परिवर्तित हो गई उनकी। करने वाला कौन था, यस, मिस्टर थियोडोर बेक, यस, प्रिंसिपल मिस्टर थियोडोर बेक, उनकी इमेज भी आपके सामने है, यस, ये बड़े ही बदतमीज, बड़े ही बुरे प्रिंसिपल थे, घटिया प्रिंसिपल कहूं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमानों में आग लगा रहे हैं, यस, दोनों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या, देखो प्रिंसिपल क्या कहते हैं इनके। तो प्रिंसिपल बेक ने कहा था कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी वॉज पॉसिबल, अर्थात मुस्लिम और अंग्रेजों की दोस्ती हो सकती है, बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज इम्पॉसिबल। तो इन्होंने ही मन में भर दिया मुसलमानों के कि तुम और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। देखा, तो सर सैयद अहमद खान, जो कि खुद पढ़े लिखे एजुकेशनिस्ट आदमी थे, बहुत नॉलेज वाले लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। ही वॉज अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक अलग पार्टी भी बनाई जो बहुत पॉपुलर नहीं हुई। तो कहना क्या चाहते हैं, सर सैयद अहमद वॉज अ वेरी कीन पर्सन, की पर्सन हु सपोर्टेड, यस, मुस्लिम्स टू फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड एस मुस्लिम लीग। यही तो चैप्टर है आज हमारा, गॉट इट। अब आता है राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। जब देश में असर्टिव नेशनलिस्ट आए, वो एग्रेसिव, वो यंग कांग्रेस के लीडर्स थे जो अर्ली नेशनलिस्ट से अलग विचारधारा रखते थे। इनकी सोच थी कि यस, प्लेयर प्लीडिंग्स, पेटिशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्टिव एंड एग्रेसिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मास मूवमेंट। यस, तो इनकी वजह से, यस, लाल बाल पाल तीन मेन लीडर्स थे, इनमें से इनकी वजह से क्या हुआ, देश में एक नया देश प्रेम जागा। बट कुछ कमी भी रह गई। क्या कमी रह गई, द प्रोपोगेशन ऑफ शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल बाय द तिलक। तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल आप देख सकते हैं, गणपति फेस्टिवल वो भी आप देख सकते हैं, मनाना शुरू किया देश प्रेम जगाने के लिए। बट मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, उनके दिमाग में डाल दिया गया कि हिंदू अपने धर्म का ऐसे से प्रचार कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आई, अरविंदो घोष, जरा अरविंदो घोष को भी देखिए, दर्शन कर लिया आपने, अरविंदो घोष ने भारत को मां की तरह संबोधित किया, कहा ये भारत नहीं है, ये तो मेरी मां है, उन्होंने इंडिया एज अ मदरलैंड माना। और
नेशनलिज्म एज रिलीजन माना, देश प्रेम नहीं है हमारा, ये क्या है, धर्म है। मुसलमानों को ये बातें अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनको लगा इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, धर्म के मामले में इंटरफियर कर रहे हैं। सो दिस वर द फैक्टर्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। समझ में आ रहा है तो यहीं पर लाइक बटन दबाओ, और हाँ बार बार कहूंगा चैनल्स का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज यू आर एट अ बिग लॉस। एंड यस आई एम देयर टू सपोर्ट यू थ्रू आउट, क्योंकि आई एम योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू टिकट टू ICSE 22। यस ICSE 2022 का सुपर्ब रिजल्ट देने के लिए मैं और आप मिलके तैयार हैं, और इस बार तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और बेस्ट नंबर्स के साथ अपने अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएंगे। तो इसी आशा के साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस पूछा है वो बाकी है। समझते हैं इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। क्या ऐसे घटनाएं घटी कि इससे मुस्लिम लीग को बना दिया गया एज अ ऑल इंडिया पार्टी फॉर मुस्लिम्स ओनली। पहला रीजन है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। उर्दू यस मुसलमानों की भाषा है, और हिंदी ऑब्वियस बात है हिंदूज की भाषा है। तो पहले क्या होता था, कोर्ट्स में यस पेटिशंस जो होती थी, यस जो लेटर्स बनते हैं, ड्राफ्ट बनते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब उर्दू भाषा में होता था। बट बाद में हिंदी को क्या कर दिया गया, यस जानबूझ के अंग्रेजों ने किया, याद रखिएगा, जानबूझ के अंग्रेजों ने हिंदी को बना दिया कोर्ट लैंग्वेज। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत नाराजगी हुई, वो अपनी आवाज उठाए। फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हिंदी और उर्दू दोनों को ही क्या कर दिया, यस लैंग्वेज फॉर ऑल कम्युनिकेशन कर दिया। इसका बाद में यस मुसलमानों ने बहुत विरोध भी किया। दूसरा रीजन फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो एसोसिएशन। इसको इस एसोसिएशन को 1893 में बनाया, और बनाने वाले आप जानते ही हैं कौन है, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर। अब इसके सेक्रेटरी थे अगेन प्रिंसिपल बेक, थियोडर बेक, मैंने बताया था। तो उन्होंने भी मुसलमानों को प्रिवेंट किया, यस क्यों बनाया इस MAO डिफेंस एसोसिएशन को, ताकि मुसलमान मेन पॉलिटिक्स में ना जा सके, नेशनलिज्म का सपोर्ट ना कर सके, वो कांग्रेस के साथ ना जुड़े। तो कांग्रेस का विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनका सपोर्ट किया। तीसरा रीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन तो जानते ही थे, 1905 में उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया, वेस्ट बंगाल हिंदूज के लिए और ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी के लिए। इससे मुसलमान खुश हो गए क्योंकि इनकी कैपिटल थी ढाका, और ढाका के नवाब थे, लीडर थे नवाब समीउल्ला खान। देख लीजिए इस शैतान को भी, यस क्या करने वाले हैं जानते हैं ना, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले, इसीलिए मैं कह रहा हूं शैतान। तो क्या किया, मुस्लिम्स को एक टेरिटरी दे दी गई अपने के लिए, एक अपना इलाका दे दिया जहां सिर्फ मुसलमान रहेंगे, नाम रखा ईस्ट बंगाल, और आज उस ईस्ट बंगाल को कहते हैं हम लोग बांग्लादेश। तो ढाका उसकी कैपिटल थी और मेन लीडर थे नवाब समीउल्ला खान। मुस्लिम्स का डेप्यूटेशन बुलाया गया कहां पर, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ही वो वॉइसरॉय थे जिनके बारे में मैंने आपके यस वीडियो के बिगिन में पूछा था कि उस वॉइसरॉय का नाम बताइए कौन था, और वो लीडर्स कौन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को फॉर्मेशन में मदद की। तो उस वॉइसरॉय का शक्ल एक बार देख लीजिए, ये भी बड़े खच्चर टाइप के वॉइसरॉय में है, ठीक है, नाम है लॉर्ड मिंटो। और इन्होंने क्या किया, यस इन्होंने प्रमोट किया मुसलमानों को कि वो उनके पास आएं और उनसे क्या करें, अपनी लॉयल्टी दिखाएं कि मुसलमान ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहेंगे, वो कांग्रेस के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की सोची समझी चाल थी वो। तो लॉर्ड मिंटो को मीट करने एक डेप्यूटेशन पहुंचा, इसके लीडर थे आगा खान। आगा खान के भी आप दर्शन कर सकते हैं। आगा खान मुस्लिम लीडरों के धर्म गुरु थे, उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, और उनके साथ 35 मुस्लिम्स गए कहां पर, लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला में 1906। क्या डिमांड किया उन्होंने, इस डेप्यूटेशन ने क्या मांगे रखी,
इस 35 मुस्लिम्स मिल करके अंग्रेजों के सामने क्या रखा? पहले तो उनको ये बताया कि भाई हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, मुस्लिम्स अब अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बट क्या डिमांड है हमारी? पहली डिमांड क्या करी? डिमांडेड मोर फंड्स फॉर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज। जो नई मुस्लिम यूनिवर्सिटीज खुलने वाली थी उनके लिए अंग्रेज और पैसा देंगे। और क्या करना है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को सीट रिजर्व कर दी जाए, जैसे आजकल आप जानते हैं रिजर्वेशन चल रहा है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है, वैसे ही सीट का रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहे थे। और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इलेक्टेड बॉडीज। उनको लगा कि इलेक्शन में तो मुसलमान जीत नहीं पा रहे हैं, हिंदू मेजोरिटीज में हैं, तो क्यों ना क्या करें, अपना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमारे लिए सीट्स रिजर्व कर दिए जाएं इलेक्टेड बॉडीज में। तो कैसे फॉर्म हुआ, आइए अब आगे समझते हैं। क्या कारण बन गया ये तो आप समझ गए, अब कैसे फॉर्म हुई? तो ये जो डेप्यूटेशन था इसको लॉर्ड मिंटो का सपोर्ट था, ये इनकी बात से सहमत थे लॉर्ड मिंटो, और इन्होंने ही क्या किया, यस, इस डेप्यूटेशन को यकीन दिलाया कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। तो अपनी बातों को पूरा होते देख इनके सक्सेस से, इस डेप्यूटेशन के सक्सेस से, यस, उनका हौसला बढ़ गया। दे एनकरेज द मुस्लिम्स टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ देयर ओन। और नवाब, यस, नवाब समीउल्लाह खान इसके लीडर बन गए। नवाब समीउल्लाह खान ने इनिशिएटिव लिया और सारे मुसलमानों को ढाका में बुलाया। यस, ढाका, ईस्ट बंगाल की कैपिटल, याद है ना आपको? तो ढाका में बुलाया और वहां पर क्या किया, वहां पर एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बना दी। देश की पहली सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी, मुस्लिम लीग। कब बनाई? 30 दिसंबर 1906। खुद इसके बन गए प्रेसिडेंट कौन? नवाब समीउल्लाह खान। और आगा खान जी को, यस, आगा खान याद होगा, स्पिरिचुअल गुरु, वो बना दिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट। देखा, तो सारा पार्टी का मजा यही दोनों ले लिए। कौन? समीउल्लाह खान और आगा खान, यही दोनों डेप्यूटेशन करके गए थे, तो इन्होंने ही सारे क्रीम, सारे मजे उड़ा लिए। चलो, दैट्स जो का पार्ट। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के क्या मकसद था, क्या एम था? तो मुस्लिम लीग ने अपना मकसद क्या बताया, टू प्रमोट, टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रिमूव एनी कंफ्यूजन, एनी मिसकंसेप्शंस ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। अगर मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति कुछ डाउट है, ये शक है कि मुसलमान अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तो उन्होंने उस शक को दूर करना था और सिर्फ सपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको ये यकीन आ गया था कि अगर ब्रिटिश रहेंगे इंडिया में तब तक मुसलमान सलामत रहेंगे, उनका यहाँ पर राज्य चलेगा। और इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। दूसरा रीजन क्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बताया, टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों के हितों की बात करेंगे, याद रखिएगा ऑल कम्युनिटी की बात कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है किसकी, अपने फायदे की, सिर्फ अपने और अपने मुसलमान लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल राइट्स भी किसका चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का चाहिए, मतलब अदर कम्युनिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। हो गया ना बंटवारा देश में, हो गया ना डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का, यही चलाकी थी अंग्रेजों की। इनके मन में इतना डर डाल दिया हिंदुओं का कि हिंदू क्या करेंगे, इसको हिंदू किंगडम बना देंगे, है ना, तुम लोग सब लोग हिंदुओं के गुलाम बन के रहोगे, तो मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए, और वो उन्होंने भी क्या कर दिया, अब तो हम अपना क्या करेंगे, अपना हिस्सा लेके रहेंगे। हो गई, ये सब चालाकियां हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, ब्रिटिशर्स की। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ एनिमिटी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटी। क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा, कि हम मुसलमानों और दूसरे जात के बीच में, हिंदूज के बीच में क्या करेंगे, झगड़े और नफरत नहीं पैदा होने देंगे। शायद मुझे लगता है ये उल्टा कह गए उन लोग जो, है ना, ये उल्टा कह गए, कहना ये चाहते थे कि हम दोनों को खूब लड़ाते रहेंगे, हिंदू मुसलमानों में टकराव करते रहेंगे, सबके झगड़े कराते रहेंगे, और सच में ऐसा हुआ भी था। ये मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव उन्होंने शायद उल्टा लिख दिया है, कह कुछ रहे हैं और करना कुछ और चाहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर मुस्लिम लीग। और अभी तक, यस, लाइक नहीं किया
तो लाइक करो और मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किया है उसको जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को शेयर करो ना, क्या जा रहा है तेरा, तेरे एक क्लिक से तेरे क्लास में, तेरे फ्रेंड्स में, तेरे सोशल ग्रुप में, यस जहां पर आपके आपके फ्रेंड्स मिलते हो और आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट मिलते हो, कर दो शेयर, मेरे खातिर शेयर कर दो यार। हाँ, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।